से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां RLJP की तरफ से संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली से पशुपति पारस ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। दिन में 3 बजे ये बैठक बुलाई गई है। पशुपति पारस के आवास पर ही ये बैठक होगी। संसदीय बोर्ड के सभी सदस्य इस बैठक में मौजूद होंगे और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद होंगे। आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज RLJP संसदीय बोर्ड की बैठक होने जा रही है। पशुपति पारस ने ये बैठक बुलाई है। 3 बजे ये बैठक होगी। पशुपति पारस के आवास पर ही सभी जो सदस्य हैं संसदीय बोर्ड के वो पहुंचेंगे और 3 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि अभी NDA गठबंधन को लेकर ये खबर सामने आ रही है कि सीटों का फॉर्मूला NDA गठबंधन में भी लगभग तय हो गया है और इसी के तहत बताया जा रहा था कि चिराग पासवान को NDA ने हाजीपुर की सीट जो है वो दी है, ऐसा सूत्र हमें बता रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पशुपति पारस उसी वक्त से नाराज चल रहे थे और आज देखिए बड़ी बैठक पशुपति पारस ने बुलाई है। देखना होगा क्या कुछ फैसला पशुपति पारस की तरफ से लिया जाता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना।